सरकार बनाने के लिए बना एक सियासी गठबंधन टूट गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की राहें जुदा हो गई। तकरीबन 3 साल तक साथ साथ चलने के बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती सरकार से अलग होने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही पीडीपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। देखिए इस पर ये स्पेशल रिपोर्ट। महबूबा मोदी सरकार से नाराज हुई या फिर मोदी सरकार मुफ्ती से मुक्त होना चाहते थे, अब ये बताना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से राम माधव मीडिया के सामने पहले पहुंचे, संदेश यही गया कि बीजेपी अब इस गठबंधन को आगे नहीं ले जाना चाहती। लेकिन सियासत समझाएं उससे पहले आपको कुछ समीकरण समझाते हैं, जरा देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें हैं, इनमें से पीडीपी 28 पर है, बीजेपी 25 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 है, कांग्रेस के पास 12 है और निर्दलियों के पास 7 है। अब जो कि बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूट चुका है, तो फिर संभावनाएं क्या हो सकती हैं? जरा इसको भी समझिए। पहली संभावना तो यह कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना पाए। अगर ऐसा होता है तो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा इनके पास संख्या बल होगा। वहीं दूसरी संभावना है पीडीपी कांग्रेस और अदर्स के साथ मिलकर सरकार बनाए। इस दौरान भी बहुमत के आंकड़े से आगे बढ़ते हुए 47 विधायक उनके पास होंगे और सरकार वो बना पाएंगे। हर संभावना के बीच हम कह सकते हैं कि राज्यपाल शासन लगना तय है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जरा सुनिए। आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। तो अब तो उनके साथ बनाने का सवाल ही नहीं, अब तो पीडीपी को अपने साथ लेने का, वो तो खुद डूबे हैं, उनके साथ जो भी जाएगा तो वो भी डूब जाएगा। हम किसी और सियासी तंजीम के साथ रियासत में हुकूमत बनाने की बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना हमें किसी ने अप्रोच किया है, ना हम यहाँ से किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं। मैंने गवर्नर साहब को अपना रिजिग्नेशन भेजा ये कह के कि हम कोई और जो है अलायंस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। यानी कोई नहीं चाहता कि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चले, तो क्या ये मान लिया जाए कि राज्यपाल शासन तय है? अन्य राज्यों की तरह धारा 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 कहती है कि राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगेगा, फिर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन होगा। लेकिन क्या बीजेपी का मुफ्ती मुक्त होने के पीछे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है जिसके तहत वो देश में संदेश देना चाहती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अगर उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी तो वो तैयार है और आगामी 5 राज्यों के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।